फ्लाइंग हो रहा है हवा में। चले भाई दूसरा रास्ता है ये। एक कुछ टाइम पहले, अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे शायद, वो बहुत वायरल वीडियो हुई थी, पूरी दुनिया ने देखी थी, अक्सर तकरीबन सबको ही पता था कि भाई शायद वो आई थिंक बी एरिया की हमारे कहीं की वीडियो थी, तो वो बहुत वायरल हुई थी, लोगों को बहुत देखा था, लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा था। तो उससे ही भाई थोड़ी सी यार उस वीडियो से ही अकल देख लिख के सीख लेते कि यार एक हादसा ये अभी चंद दिन पहले, तकरीबन 10-12 दिन भी नहीं गुजरे थे, हो चुका है, कि भाई उसको ही देख के ही हंस सीख लेते यार। यार जानवर में अकल नहीं है, लेकिन आप और हमने तो है ना, हम कहाँ उसको 5-6 मन के जानवर को हम कहाँ 4th और 3rd floor से उतारने लग जाते हैं यार। भाई आप उसको 4 रस्सियों से बांध के उतार रहे हो, वो इधर होगा उधर होगा, वो तो गिरना ही है यार, उसमें अकल नहीं है आप में तो है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दुख नहीं होगा, मुझसे ज़्यादा आपको दुख हुआ होगा, लेकिन बात यह है पूरा साल आपने पाला, छत पे रखा, सब कुछ करा, एटलीस्ट पूरा साल ही पाला होगा ना, जब बंदा कोई छत पे रख के अपने जानवर पाल रहा है तो पूरे साल ही पालेगा। तो यार इतनी मेहनत आपने करी उसकी खिलाई पिलाई पे, मुझसे ज़्यादा तो आपको अकल होनी चाहिए थी ना। अफसोस हुआ यार, बहुत ज़्यादा अफसोस। आप 10 दिन पहले जो हादसा बीता है, एक जानवर गिरा था, वो भी बेचारा, अल्लाह का शुक्र है वो तो फिर भी वो बच गया था, वो तकरीबन 2nd floor आई थिंक 3rd floor, ये उतर कहाँ से रहा, इसको लटकाया हुआ कहाँ है, ये देखो, बहुत अफसोस हुआ। मैं भी खाना खा के बैठा था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, डालनी नहीं थी ये मुझे, लेकिन अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ यार। प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को देख कर ही ना कुछ और लोग जो हैं वो थोड़ी सी अकल ले लें यार, हम में अकल है उन जानवरों में थोड़ी है।